इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक भाषण जो बाकायदा भारत के उपराष्ट्रपति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे हैं। इस दौरान इशारों ही इशारों में उन्होंने कुछ लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए, वो हमारे ही भटके हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगे कहते हैं कि उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार ही नहीं है। ये कैसी बात है, अब वो दिन दूर नहीं जब हर शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध होगी। नई शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रख रहे उपराष्ट्रपति ने कुछ लोग कहते हुए अपनी बात कह दी कि वो देश की प्रगति को नहीं पचा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है, ये कैसी बात है। अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। एक्स पर इस ट्वीट के आने के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी उपराष्ट्रपति के एक्स पर डाले गए भाषण और ट्वीट को शेयर करते हुए इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज करते हुए लिखा, पाचन शक्ति में आपका मुकाबला नहीं माननीय उपराष्ट्रपति जी, ना जाने कुर्सी की खातिर क्या क्या पचाए बैठे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा की इस पोस्ट पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखनी भी शुरू कर दी। अलका लांबा के इस तंज को हाल ही में हुए विपक्ष के सांसदों के निलंबन से जोड़कर देखा जा रहा है। 23 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। खड़गे ने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि वो इतने अधिक सांसदों के निलंबन से दुखी और व्यथित हैं और हताश निराश महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने राज्यसभा के सभापति पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने धनखड़ से आपसी सहमति से तय तारीख पर उनके साथ मामले पर चर्चा करने और उनकी चिंताओं का समाधान करने का भी आग्रह किया। खड़गे ने कहा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि संसद की सुरक्षा में सेंध के गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा के नियमों एवं प्रक्रिया के प्रासंगिक नियमों के तहत कई नोटिस पेश किए गए थे। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई संसद सुरक्षा सेंध को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें 100 सांसद लोकसभा के और 46 राज्यसभा के हैं। इस मुद्दे पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर 25 दिसंबर को इस सिलसिले में बैठक कर बात करने का सुझाव दिया है।